माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस की सरकार थी, हर रोज पाकिस्तान से घुसे हुए आतंकवादी हमला कर भाग जाते थे, कुछ नहीं होता था। नरेंद्र मोदी सरकार आई, इन्होंने उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। ये कांग्रेस पार्टी, ये केसीआर देश की रक्षा नहीं कर सकते। तेलंगाना को आज के जमाने के रजाकारों से बचा नहीं सकते। तेलंगाना को आज के जमानों के रजाकार से अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। मित्रों, एक केसीआर तेलंगाना में हमेशा एक खोखला प्रचार करते हैं। मैंने केसीआर को सुना है कि मैंने तेलंगाना को नंबर वन बना दिया। हाँ भैया, सच बात है केसीआर बाबू, आपने तेलंगाना को नंबर वन बना दिया, मगर किस चीज में? रोजगारी में? ना जी। घर में पानी पहुंचाने में? ना जी। नौकरियां देने में? ना जी। किसानों की आत्महत्या के बारे में तेलंगाना आज देश में नंबर वन बन चुका है। मित्रों, नंबर वन बन चुका है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में तेलंगाना नंबर वन बन गया है, और महाघोटाले करने के बारे में भी, भ्रष्टाचार करने के बारे में भी तेलंगाना नंबर वन बन गया है। और मित्रों, केसीआर के चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो क्या है उनका चुनाव चिन्ह? जो है ना, वो गाड़ी है, एम्बेसडर गाड़ी है। मगर एम्बेसडर गाड़ी कौन चलाता है? कौन चलाता है? जोर से बोलो, कौन चलाता है? उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, उनके पास नहीं है। आप ऐसा चाहते हो कि मजलिस के इशारे पर तेलंगाना चले? जरा जोर से बोलो, चाहते हो क्या? ये मजलिस के इशारे पर चलने वाली सरकार है। आदिलाबाद वालों, इस चुनाव में मजलिस के इशारे पर चलने वाली इस सरकार को कर फेंक दीजिए, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार लाइए। कमल फूल की सरकार हमारे तेलंगाना को समृद्ध कर देगी और भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगी। मित्रों, कोई भी योजना हो, भ्रष्टाचार के बगैर यहां समाप्ति ही नहीं होती है। चाहे दलित हो, किसान हो, युवा हो, आदिवासी हो, सबको जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। दलित भाइयों को वादा किया था 3 एकड़ भूमि देंगे। मैं केसीआर बाबू को पूछना चाहता हूं, चंद्रशेखर राव जी, 3 एकड़ भूमि कहां गई? दलित बंधु, हर परिवार को 10 लाख रुपया देना था, गिने चुने अपनी कैडर के लोगों को देकर बाकी के दलितों को नहीं दिया। मित्रों, जो सरकार अपने बेटों के कल्याण में पड़ी हो, वो सरकार तेलंगाना का कल्याण नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी सरकार ने तेलंगाना में 40 लाख किसानों को
किसान सम्मान निधि दी, 54 लाख लोगों को घर में पीने का पानी पहुंचाया है, 33 लाख माताओं को घर में शौचालय बनाकर दिया है,